हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये कमर्शियल फ्रिज है ये भी, लेकिन ये छोटा वाला फ्रिज है। तो ये फ्रिज में फ्रिज का जो सिस्टम है वर्किंग, ये थोड़ा अलग है। तो मैं वो अलग क्या चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम क्या क्या काम किया है इस फ्रिज में वो पहले देख लीजिए। ये जो कंप्रेसर देख रहे हैं ये हम चेंज किए हैं। ये कंप्रेसर KC J412LAG मॉडल का है ये कंप्रेसर। और इसमें जो गैस गलती है वो 134 ये है, लेकिन कैपिलरी और फिल्टर ये सही है। और इसमें अगर बैक प्रेशर की बात की जाए, इस फ्रिज में बैक प्रेशर आपको कितना रखना चाहिए, तो ये नॉर्मल जैसा ही बैक प्रेशर रहेगा। आप देख लीजिए अभी 20 है, तो इसमें जब रिटर्न अच्छा आ जाएगा तब नॉर्मल 15 के आसपास आ जाएगा इसका बैक प्रेशर। और इसका टेम्परेचर तो होने के लिए 7-0 ही है। तो हम तो इसको अभी सिर्फ कंप्रेसर को चल रहे हैं और फैन को रेस्ट करने के लिए। तो आपको कूलिंग में दिखाऊंगा। देख लीजिए, ये फ्रिज में आपको माइनस में कूलिंग नहीं आएगा। ये फ्रिज इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट वगैरह में, जो खाना वगैरह बना के रखते हैं वो सब जो खाने पीने का सामान है उसको अच्छे से रखने के लिए ये फ्रिज यूज होता है। ये माइनस में नहीं आएगा यहाँ, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कूलिंग कॉइल जो लगा हुआ है इसमें आइस आ चुकी है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर भी कूल करेगा फ्रिज। ये देख लीजिए, ये पूरा कंपार्टमेंट भी कूलिंग कंपार्टमेंट है, यहाँ पर भी अच्छा खासा आइस आ चुकी है। ये कंडेंसर देख लीजिए, कंडेंसर बहुत ही गंदा था, तो हमने इसको सर्विस किया है, उसके बाद इसमें गैस टच कर दिए हैं। और इस कंप्रेसर जो चेंज हुआ है इसमें एम्पियर कितना लेगा, तो आपको मैं एम्पियर भी दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए एम्पियर 2.7 इसका एम्पियर है। ये हमारा रिटर्न लाइन है सक्शन। और ये कंडेंसर का कूल करने के लिए जो फैन लगा हुआ है, एक जो यही फैन है। और ब्लू जो चीज आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में टायर का काम करता है, फिल्टर है, गैस को फिल्टर करके डिस्चार्ज करता है। और ये जो आप रिले देख रहे हैं, रिले कॉइल रिले है, कॉइल टाइप रिले। और 8200 इसका स्टार्टिंग कैपेसिटी लगा हुआ है। और CSR इसका वायरिंग है। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बेहतर दिखाने के लिए और कुछ सिखाने के लिए ट्राई करूंगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।